आइए शुरू करते हैं क्लास 9 पाठ संख्या 2 विषय भूगोल है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक का मतलब क्या होता है? बाहरी। आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। जितनी प्राकृतिक विविधताएं हमारे देश भारत में हैं, शायद ही ऐसी विविधता विश्व के किसी देश में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो वह उष्णकटिबंध में आता है, वहीं भारत का जो उत्तरी हिस्सा है समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आ जाता है, जहां उत्तर से हिमालय पर्वतमाला भारत का एक प्रहरी के रूप में काम करता है और भारत के जलवायु का एक महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व के रूप में काम करता है। वहीं पूरब से बंगाल की खाड़ी और पश्चिम से अरब सागर तथा बात कर लें दक्षिण से हिंद महासागर, तो ये भारत के जलवायु के और मौसम के क्या है प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में क्या करते हैं काम करते हैं। तो जानते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो पिछले पाठ में लोगों ने भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में जाना था और स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हुए अगर आगे की कहानी पर चर्चा किया जाए तो विद्वानों ने भारत के भौगोलिक वितरण को या भौगोलिक स्वरूप को अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांट दिया। अगर हम भारत के भौगोलिक स्वरूप की बात करें, भौगोलिक स्वरूप को कितने भागों बांट दिया गया है, तो भारत के भौगोलिक स्वरूप को 6 भागों में क्या किया गया है बांटा गया है। अगर बात करें तो यहां अगर भारत, ये मेरे भारत का मानचित्र है तो मैं केवल उत्तर की ओर लेके चल रहा हूं, तो भारत में यहां जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहां एक राज्य है जम्मू कश्मीर जो संघ राज्य है, और सबसे पूर्वी राज्य कौन है? हिमाचल। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक लेकर, अरुणाचल, हिमाचल नहीं गलती में लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबा चाप के रूप में, किसके रूप में? चाप के रूप में एक विश्व की सबसे नवीन, मतलब क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वतमाला विराजमान है, जिस पर्वतमाला को हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से, हिमालय पर्वतमाला पश्चिम उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह इसकी आकृति कहेंगे तो धनुष के जैसा है, धनुष के जैसा या चाप के जैसा है इसकी आकृति फैला हुआ है। और हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे नवीन और वलित पर्वतमाला है। मैंने कहा भारत के भौगोलिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है, तो पहला इसमें कौन है? हिमालय। पहला कौन है? तो मैं हिमालय के बारे में बता रहा हूं। हिमालय एक नवीन वर्णित वलित पर्वत है जो भारत के उत्तर में है। हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय जब विश्व की क्या है?
सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई 8850 मीटर है, 50 आ गया है, नया में 50 दे रहा है, कोई बात नहीं है, 48 या 50 दो मीटर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ऊंची है, नवीन है, बलित है, मतलब टेढ़ा है। 33 भूसन्नति में अवसादों के जवाब से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण लगभग आज से 7 लाख वर्ष पहले हुआ है। धनुष और चाप की आकृति में क्या हुआ है, फैला हुआ है। यह आकृति धनुष के जैसे चाप के जैसा या अर्धवृत्ताकार भी इसको कह सकते हैं, अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वृत्त के रूप में क्या है, यह फैला हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें कि हिमालय की इस सीमा पर अगर चौड़ाई की बात करें तो इस उत्तर पश्चिम सीमा पर चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, और यहां पर चौड़ाई की बात कर ले मतलब एकदम पूर्वी हिस्सा में चौड़ाई की बात कर ले अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, मतलब हिमालय पश्चिम सीमा पर चौड़ा ज्यादा है, और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई क्रमशः धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे अधिक चौड़ाई कश्मीर में है लगभग 400 किलोमीटर, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में कितनी, 150 मीटर। आपको बता दें हिमालय पर्वतमाला को दो आधार पर विद्वानों ने बांटा है, पहला उत्तर से दक्षिण, हिमालय पर्वतमाला को विद्वानों ने ऊंचाई के आधार पर उत्तर से दक्षिण तीन भागों में बांटा है। सबसे जो उत्तर वाला सीमा है, हिमालय की जो सबसे उत्तर वाला सीमा है, विद्वानों ने इसका नाम रखा है महान हिमालय। क्या नाम रखा है, महान हिमालय। महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमालय की जो सबसे उत्तरी है उसका नाम क्या है, महान हिमालय। महान हिमालय का नाम क्या है, हिमाद्री। हिमाद्री के बाद ये बीच वाला जो सीमा है इसको हम मध्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीच वाला सीमा को कहते हैं मध्य हिमालय, इसी को कई जगह हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सबसे नीचे वाला है इसका नाम क्या है, सबसे नीचे वाला का नाम क्या है जो सबसे दक्षिण में है, शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे वाले का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। हिमालय के जो सबसे उत्तरी वाला भाग है पूरब से पश्चिम, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसका अधिकांश हिस्सा सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, नाम है महान हिमालय या हिमाद्री। बीच वाला जो है, इस बीच वाला पर एक से बढ़कर एक हिल स्टेशन है जहां लोग घूमने जाते हैं, दार्जिलिंग है, मनाली है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, मनाली है, धर्मशाला है, कसैली है, शिमला है, नैनीताल है, ये मध्य वाले हिस्सा है। हालांकि इन सबका विकास ब्रिटिश काल में हुआ था, और सबसे जो नीचा है शिवालिक हिमालय है। यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, नहीं उत्तराखंड में जो घास के मैदान उसको क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं शिवालिक हिमालय में, और जम्मू कश्मीर में उसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग नाम सुना होगा आपने, और यहाँ का नाम दिया द्वार नाम दे दिया। ये महान हिमालय के उत्तर में भी एक हिमालय का ही हिस्सा है, महान हिमालय के बाद भी एक छोटी सी लंबी पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला को विद्वानों ने नाम क्या दिया है, ट्रांस हिमालय। क्या नाम दिया है, ट्रांस हिमालय, विद्वानों ने क्या दिया है उसके नाम दिया है। अब थोड़ा सा ऊंचाई की बात कर ले तो महान हिमालय जो सबसे उत्तर में है इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो इसकी ऊंचाई लगभग, औसत ऊंचाई की बात करते इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 किलोमीटर है। मध्य वाला की बात करते हैं जिसको हम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं, इसकी ऊंचाई 3750 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर के बीच आसपास इसकी क्या है, ऊंचाई है। और जो सबसे नीचे वाले हैं इसकी हम
ऊंचाई की बात कर ले शिवालिक की तो 900 किलोमीटर से 1100 सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर से 1100 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। तो ऊंचाई भी उत्तर से दक्षिण को आते हैं तो हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है, नहीं दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हिमालय की ऊंचाई क्या होती है बढ़ती जाती है। अब सवाल है कि ये जो हिमालय है एक विद्वान है नाम सुना होगा आपने सिडनी बुराड, सिडनी बुराड एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे जिन्होंने हिमालय को, हमने तो अभी जो वर्गीकरण किया उत्तर से दक्षिण, हिमालय को उसकी ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में नाम दिया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नहीं, महान हिमालय सबसे उत्तरी हिस्सा है, बीच वाले को मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण वाले को शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को उत्तर में भी एक पर्वतमाला है नॉर्थ है हांस हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इसी हिमालय का एक कटरूप है यहाँ पूर्वोत्तर में जिसको हम अलग नाम से जानते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय का ही कटरूप है जिसको लोगों ने नाम क्या दे दिया है पूर्वांचल नाम दे दिया। एक विद्वान है सर सिडनी बुराड, सिडनी बुराड महोदय ने नदियों के प्रवाह के आधार पर हिमालय को चार भागों में क्या कर दिया है बांट दिया है। कितने भागों में? चार भागों में बांट दिया है। जैसे यहां जो नदी है वह सिंधु, नदियों के प्रवाह के आधार पर हिमालय को सर सिडनी बुराड नामक विद्वान ने कितने भागों बांट दिया है? चार भागों में बांट दिया है। जैसे यहां सबसे हिमालय के जो सबसे पश्चिमी में नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। सिंधु के बाद जो नदी का प्रवाह होता है उसका नाम होता है, ये हो गया सिंधु, ये हो गया सतलुज, ये हो गया काली, ये हो गया तिस्ता और यहां हो गया ब्रह्मपुत्र। तो नदी के प्रवाह के आधार पर विद्वानों ने, सिडनी बुराड नामक विद्वान ने हिमालय को कितने भागों में बांट दिया है? चार भागों में बांट दिया है। उन चार भागों का नाम जिस राज्य से होकर प्रवाहित होती है उसी के नाम पर रखा गया है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसको हम पंजाब हिमालय, किस नाम से? ये जो बीच वाला हिस्सा है इस बीच वाला हिस्सा को हम नाम क्या दिए हैं, विद्वान क्या नाम दिए हैं? पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से दे दिया। सतलज के बाद कौन है? सतलज काली। सतलज और काली के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज काली, देखिए सिंधु सतलज, सतलज काली, काली और कौन है? तिस्ता। तो काली और तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा, यहाँ नेपाल आता है तो नाम दे दिया लोगों ने नेपाल हिमालय नाम दे दिया। रथ में कौन है? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ जो मेन राज्य है वो असम है, इस बीच वाला हिस्सा का नाम क्या दे दिया? असम हिमालय। तो सर सिडनी बुराड नामक एक विद्वान थे, भूगोल के बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने पश्चिम से पूरब या यूं कहे पूरब से नदियों के प्रवाह के आधार पर हिमालय को चार भागों में बांट दिया और उसका नाम अगल बगल के राज्य और भूभाग के नाम रख दिया। जैसे सिंधु सतलज के बीच का पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच का नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का नाम क्या दिया? तो हिमालय का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो ये तो एक भाग हो गया। दूसरा जो हमारा है वह उत्तर का विशाल मैदान, या यूं कहें विशाल मैदान, छह भागों में दूसरा भाग का नाम क्या है? विशाल मैदान। तो हमारे भारत के जो उत्तर में जो विशाल मैदान है
इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी भी नदियां प्रवाहित हो रही है, बह रही है, जो नदी जहां से निकलती है, जिस पहाड़ से निकलती है, जिस पर्वतमाला से निकलती है, उस पर्वतमाला से ज्यादा पुरानी नदी जैसे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय के निर्माण से पहले की नदी है। हाँ, हिमालय से पहले, लेकिन हिमालय को पार करके पड़ती। तो हमारे भारत का जो ये मानचित्र आप देख पा रहे हैं, इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है और भारत में जितनी भी नदियां हैं, अगला टॉपिक हमारा प्रवाह तंत्र ही होगा। तो भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को आपको बता दे उत्पत्ति के आधार पर दो भारत भागों में बांटा गया है। नहीं, जो हिमालय से निकलती है उस नदी को हम हिमालय से निकलने वाली नदी, और जो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी की खासियत है उसमें सालों भर जल का प्रवाह बना रहता है, इसलिए उसको हम बारहमासी या सदा नीरा, सदा मतलब हमेशा नीरा माने जल पानी, सदा नीरा कहते हैं। और ये जो पठारी इलाका से जो नदियां निकलती हैं, बरसात के दिनों में पानी तो ज्यादा होती है, बाकी समय में उसका पानी क्या होता है, सूख जाता है, इसको हम बारहमासी नहीं बरसाती नदी कहते हैं, क्योंकि बरसात के महीना में उसमें जल होता है, बाकी महीना यूं ही क्या रहता है, खाली रह जाता है। तो हमें ये जानना है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, नदियां में एक तो हो जाएगा सिंधु, एक हो जाएगा कौन, गंगा, इधर से घूमते हुए आ जाता है कौन, ब्रह्मपुत्र। तो हम जान ले आपको सिंधु प्लस गंगा सतलुज और यहां कौन है, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलने वाली क्या है, नदियां हैं। ये नदियां जब हिमालय से निकलकर भारत के, सिंधु तो खैर उत्तर पश्चिम सॉरी दक्षिण पश्चिम की ओर बह जाती है और गंगा उत्तर पूर्व से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर क्या प्रवाहित होती है, मतलब गंगा की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गलत है कि सही है? सही है। तो ऐसे बहती है तो अपने साथ कुछ छोटे मोटे कंकर पत्थर को भी बहा कर लेते आती है। तो छोटे मोटे जो कंकर पत्थर बहा कर लेके आती है उस जल, अगर कुछ कंकर पत्थर या जो भी बहा के ले जाएगा तो उसको जलोढ़ कहेंगे। जल के द्वारा बहा कर लाई गई किसी भी चीज को, चाहे मिट्टी हो या कंकर पत्थर हो, क्या कहेंगे, जलोढ़। जल के द्वारा लुढ़का कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उस मिट्टी से उत्तर भारत में एक बहुत विशाल मैदान का निर्माण हो गया है, उसको उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु गंगा सतलुज, कुछ योगदान ब्रह्मपुत्र नदी का भी है। और आपको बता दें उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कितना है, जो उत्तर पश्चिम से सीधा दक्षिण पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई है और कहीं कहीं पर चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल की बात करें 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई कितनी है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और चौड़ाई मैंने कह दिया, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई कहीं पर 240 किलोमीटर है तो कहीं पर 320 किलोमीटर। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका निर्माण गंगा और उनकी सहायक नदियों के मिलने से बना है। गंगा और गंगा के सहायक नदियों के मिलने से इनके मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। लेकिन इन नदियों का प्रवाह, नदियों की ढाल, नदियों के जलधारा का वेग समान नहीं है, तो अलग अलग भाग में इनके मैदान को उसकी स्थिति के आधार पर अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। लेकिन याद रखेंगे
कि गंगा का जो मैदान है उत्तर भारत का या विश्व का सबसे बड़ा मैदान है और विश्व का सबसे ज्यादा क्या है उपजाऊ मैदान है, और गंगा के मैदान में जो मिट्टी है वह कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी का नाम है वाहित मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम जानते हैं? वाहित मिट्टी के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, कोई दिक्कत? और आप जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है इन जलोढ़ मिट्टी को उसकी स्थिति के आधार पर उपजाऊ प्रवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया होगा। तो उत्तर के विशाल मैदान में जो मिट्टी है नदी की मिट्टी है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है खादर, दूसरा कौन है बांगर, तीसरा कौन है भावर। नवीन जलोद मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है खादर कहते हैं, उस पुरानी जलोद मिट्टी को भावर कहते हैं। अब बांगर जो नदी से बहुत दूर चला गया है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही मैदान अगर हिमालय के अगल बगल में उसको तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी बहती हुई आ रही है, छोटे बड़े कंकर पत्थर क्या कहते हैं बिछा दी। अगर आप नेपाल की सीमा पर भारत में ही रहते हैं लेकिन सीमा पर जाते हैं तो वहाँ के खेत में देखिएगा जिसका सीमावर्ती राज्य में इलाका वगैरह बड़े बड़े छोटे बड़े पत्थर हो खेत मिलेगा उसको तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। वहाँ की खासियत है कि मिट्टी पर दबाव क्या है ज्यादा है, बरसात का दिन होगा तो एक बार जोर से डंडा को उसमें क्या कीजिए मतलब प्रेस कीजिए अपने आप बोरिंग की तरह पानी निकलना शुरू, बहुत पानी आएगा वहाँ, थोड़ा ही लेयर भरा जाएगा क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर धरती पर क्या दबाव है। और सीधी सी बात है गुब्बारा में पानी भरो प्रेस करो तो अपने आप फट के निकलेगा, तो वहाँ तो नीचे पानी है ऊपर तो दबाव पड़ रहा है और हल्का सा उसको हम छेद कर दिए सुरंग कर तो बड़ी धीरे गति से पानी बाहर की ओर क्या होने लगता है आने लगता है, इसको क्या कहते तराई कहते हैं। आगे की बात करें तीसरा जो हिस्सा है तीसरा जो भाग है उसका नाम प्रायद्वीपीय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा शायद नहीं कर पाऊंगा, इसके प्रायद्वीपीय पठार और अन्य जो चार चीजें हैं उनके बारे में चर्चा कल की होगी क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं पीछे, उन सारे पहाड़ी को लोकेशन करना ज्यादा बेटर होगा, यहाँ से प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा रहता है।